हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हाँ जी, बी पैक 172 यूनिट 7 करने वाले हम। यूनिट 7 और 8 दोनों एक साथ करने वाले हैं, ठीक है? तो करते हैं शुरुआत इसकी, जहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले चैप्टर का बात को कर ले। चैप्टर का नाम है गवर्नेंस चैलेंजेस एंड चेंजिंग द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। मतलब दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, गवर्नेंस कि क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है? चैप्टर टू के अंदर मैंने आपको गवर्नेंस पूरा समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर उसके कुछ चैलेंजेस देखेंगे, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नेंस, कैसे जीनियस होता है, ये हमने सेम टॉपिक आ गया फिर से, ठीक है? गवर्नेंस को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखेंगे, क्वालिटी क्या होती है गवर्नेंस की, कौन कौन से चैलेंजेस है किसके लिए गवर्नेंस के लिए, एक नया टॉपिक रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि रिसेंटली अगर आज के टाइम पर देखें तो क्या है कि जो आइडिया है किसका, गवर्नेंस का, वो ग्लोबली थीम पर बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है? धूमधाम के सबसे ज्यादा बोलबाला है किसका, गवर्नेंस का, ठीक है? तो जो ये गवर्नेंस है, ये जो बड़ी बड़ी हमारी एजेंसीज होती है, ये क्या करती है, इसको अडॉप्ट करती है किसको, गवर्नेंस के एजेंडा को, ठीक है? बहुत सारे पीपल गवर्नेंस को गवर्नमेंट ही समझ लेते हैं, ठीक है? तो गवर्नेंस को गवर्नमेंट ही समझ लेते हैं। गवर्नमेंट होती है कि जो लोगों को हम चुनते हैं, ठीक है? खाली लेजिस्लेचर हमारा गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, लेकिन गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि आपके मार्केट भी आती है, आपकी सिविल सोसाइटी भी आती है, आपके एनजीओज भी आते हैं, सब आते हैं, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर भी आता है, ठीक है? तो गवर्नेंस का जो रूट है और जो गवर्नमेंट का, इन दोनों का जो रूट वर्ड है वो गवर्न है, ठीक है? दोनों का सेम है, लेकिन गवर्नेंस और गवर्नमेंट ये दोनों क्या होती है, अलग होती है, ठीक है? कॉन्सेप्ट किस क्या है गवर्नेंस का, ये हम देखने वाले हैं। कैसे ये ग्रोथ करता है, इसका जड़ कहाँ से है? देखो, अगर आप इंडिया की अगर बात करें तो हमारे लिए कोई नया नहीं है गवर्नेंस, ठीक है? कोई नया नहीं है। अगर आप एंशियंट टाइम पर देखोगे तो एक बुक है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्या जी ने लिखी है, ठीक है? 40 BC के अंदर, 400 BC के अंदर वो लिखी गई थी बुक, जहां पर कौटिल्य प्रेजेंट करते हैं किसको, आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट की पिलर्स बताते हैं किसके, आर्ट ऑफ गवर्नेंस के। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारा अथॉरिटी है वो कैसे जस्टिस प्रोवाइड करेगा, ठीक है? और एंटी ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज के बारे में बात करते हैं। वो वहाँ पर किंग की ड्यूटीज को बताते हैं कि उनको वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? इंश्योर मेंटेन करके रखना है, सेफ गार्ड वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, और लोगों के इंटरेस्ट में काम करना है, ठीक है? तो ये कौटिल्या ने जी ने बताया था किसका, गवर्नेंस के बारे में। गवर्नमेंट जो कि इंस्ट्रक्शन होता है किसका, स्टेट का, और ये बहुत बड़ा सोल प्रोवाइडर होता है किसका, गुड्स और सर्विस का, ठीक है? कैलियन ने क्या बोला था, इन्होंने पहली बार अपनी मतलब बुक थी जिसके अंदर इन्होंने पहली बार यूज किया था, इन्होंने ही वर्ड को यूज करा था, गवर्नेंस, ठीक है? यहाँ पे बताते हैं कि गवर्नेंस क्या है, व्हाट द पीपल वांट, मतलब लोग क्या चाहते हैं, वो गवर्नेंस है। अगर लोग चाहते हैं लेस गवर्नमेंट तो वो गवर्नेंस होगा, अगर वो मोर गवर्नेंस चाहते हैं तो वो गवर्नेंस होगा, ठीक है? लोग क्या चाहते हैं, ठीक है? आगे आते हैं, जो गवर्नेंस है वो क्या है, अब धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? क्यों, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो बन रही है, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, WTO, ठीक है, और यूनेस्को, ठीक है? ये सारी एजेंसीज बन रही है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो गवर्नेंस का टर्म है ये भी बढ़ता जा रहा है। जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे तो धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है? गवर्नेंस क्या कहता है, कोलैबोरेट करने के लिए बोलता है। गवर्नमेंट एक फॉर्मल होता है, ठीक है? गवर्नेंस थोड़ा अलग होता है। गवर्नेंस के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है सारी चीजों के ऊपर, लेकिन गवर्नेंस जिसके अंदर मल्टीपल एक्टर्स आते हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर भी आता है, आपका गवर्नमेंट भी आता है, आपका सिविल सोसाइटीज भी आता है, ठीक है? गवर्नमेंट गवर्नेंस को हम समझते हैं क्या है गवर्नेंस, तो इसके जो जड़ है वो किस है, न्यू लिबरल थिंकिंग से है। न्यू लिबरल जो कि बढ़ चढ़कर फैली हुई थी 1950s के टाइम पर, ठीक है? ये बात करती है किसकी, फ्री मार्केट की। ये बोलती है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, इंडिविजुअल को लिबर्टी दो, फ्रीडम दो, ठीक है? और स्टेट अपना बहुत ही कम रोल करे किसके अंदर, मार्केट के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। मार्केट बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए और गवर्नमेंट काम करे तो सिर्फ वेलफेयर के लिए, ठीक है जी?
और गवर्नेंस क्या बोलता है, गवर्नेंस बोलता है कि मल्टीपल एक्टर्स का आप गवर्नमेंट के साथ लेकर आओ, सभी कोलैबोरेट, जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर सब कोलैबोरेट करना स्टार्ट करे प्राइवेट और कम्युनिटीज के साथ, ठीक है, और वो फोकस करे किसको, इंश्योर करने में अकाउंटेबिलिटी, कि लोगों को जवाबदेही हो सके, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, ट्रांसपेरेंसी रखे, रूल ऑफ लॉ रखे और इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से काम करे, ठीक है। तो ये है गवर्नेंस, जहां पे हर एक स्टेक होल्डर को लेकर आया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, मल्टीपल एक्टर्स को साथ के साथ क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। तो कुछ हमारे थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने बताया है कि गवर्नेंस क्या है, वो बोलते हैं गवर्नेंस एक जेनेटिक टर्म है, ठीक है, जो कि स्टेट के लिए यूज की जाती है, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट से थोड़ी अलग होती है, ठीक है। गवर्नेंस का ही सिनोनियम है क्या, गवर्नमेंट। गवर्नेंस क्या है, एक गुड गवर्नमेंट है, ठीक है, बियॉन्ड द गवर्नमेंट, मतलब खाली गवर्नमेंट ही नहीं है, एक अच्छी गुड गवर्नेंस की बात करती है, ठीक है। गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है। और रोडेस ने क्या बोला है, रोडेस ने 3-6 सेपरेट यूजेस बताए किसके, गवर्नेंस के, जो कि हमने चैप्टर 2 के अंदर ही पढ़ा था। ये बोलते हैं गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है, सिर्फ जो सरकार है उसका मिनिमल रोल होना चाहिए, कोऑपरेटिव वो काम करे, सभी के साथ कोऑपरेट होके काम करे, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, सोशल फैब्रिक सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क होने चाहिए उसके, ठीक है, मतलब सभी के साथ हम नेटवर्किंग रखें, सभी के साथ मिलकर काम करें, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये सभी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और भी कुछ हमारे स्कॉलर्स है जिन्होंने बताया है कि सिर्फ द ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, जो होलो स्टेट, मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट थी उसका जो व्यू है वो चेंज हो चुका है होलो स्टेट में, ठीक है, मार्केट बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, मतलब फ्री है मार्केट, पूरा मार्केट के ऊपर ही ध्यान देना है, प्राइवेट सेक्टर को ही एमर्ज करना है, ठीक है, डेवलप करना है किसको, सोशल एंड कैपिटल, सिविल सोसाइटीज को, ठीक है, सिटीजन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, ठीक है, कोऑपरेशन करना है और नेटवर्क मैनेजमेंट करना है। तो ये रहा हमारा गवर्नेंस। क्वालिटी क्या है गवर्नेंस की, जो इतना ज्यादा ये बढ़ चढ़कर फैल रहा है, तो है क्या इसके अंदर, ऐसा क्या है जो सभी के सभी कंट्रीज को मान रहे हैं? तो क्वालिटीज की बोली जाती है गुड गवर्नेंस, ठीक है। और ये जो गुड गवर्नेंस है, वर्ल्ड बैंक इस चीज को डिफाइन करता है, मतलब पहली बार इस वर्ड को यूज लेकर आता है, ठीक है। और जब ही से जो गुड गवर्नेंस है बहुत ज्यादा फैला है, गुड गवर्नेंस जहां पर हम कुछ क्वालिटीज की बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्लुरलिज्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, गवर्नमेंट इफेक्टिव, असिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सभी चीजों के साथ चले, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करे, वुमेन डेवलपमेंट करे, पॉवर्टीज को खत्म करे, एजुकेशन दे के आए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को खत्म करे, ठीक है, खदेड़ भगाए, ठीक है, सस्टेनेबल लिवलीहुड, लाइवलीहुड रखे, ठीक है। तो ये सारा होता है गवर्नेंस, जहां पर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस है, गवर्नेंस भाई इतना बढ़ रहा है लेकिन चैलेंजेस भी तो होना चाहिए। देखो चैलेंजेस अगर आप देखो तो 21 सेंचुरी में काफी चैलेंजेस आए हैं किसको, गवर्नेंस को, काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, और ज्यादातर बोले तो डेवलपिंग कंट्रीज में, मतलब एशिया जो कंट्रीज है वो, उनको काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा। और ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, लोकल लेवल पर, हर जगह हमको दिखता है, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंजेस है, पहला तो ब्यूरोक्रेसी का चैलेंजेस, ठीक है, और इनइफेक्टिवली काम करना, वाइड स्प्रेड करप्शन होना, ठीक है। आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं वो कितना सारा घोटाला कर देते हैं, ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना, अनरिस्पॉन्सिबल होना किसका, सिटीजन का। अब गवर्नमेंट तो अकाउंटेबल है लेकिन लोग ही जब रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे इनएबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू डील द किसे, प्राइवेट सेक्टर से वो क्या नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते सिविल सोसाइटी के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसका, गवर्नेंस का, ठीक है। तो ये सब हमारे चैलेंजेस थे, और कुछ हमारे चैलेंजेस बताए हैं, इन्फॉर्मेशन गैप भी होता है, कैपेसिटी गैप भी होता है, फिस्कल गैप, एडमिनिस्ट्रेशन गैप और पॉलिसी गैप। एक बार आप इन सबको पढ़ लेना, थोड़ा समझ में ही आ जाएगा किस किस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस रोल है, मतलब क्या चेंज कैसे हो गया है रोल, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आया है, गवर्नेंस का सिस्टम आया, ब्यूरोक्रेटिक्स, आपने अगर यूपीएससी कौन सी है वो यूपीएससी एस्पिरेंट मूवी देखी होगी तो उसमें पता होगा ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स, तो इनको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा है, ठीक है, और इनका कैसे रोल जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। इनका जो पहले रोल था, जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, जब सिर्फ गवर्नमेंट का ही बोलबाला था, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर इतना फैल गया है, सिविल सोसाइटी, सबका रोल एकदम हो गया है, ठीक है, मतलब अब सभी एक साथ बराबर हो चुके हैं। तो इनका
कैसे रोल चेंज हो गया? देखो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक्स है उनका रोल जो है वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंसीज के साथ काम करने लगी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसको, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो एक बैकबोन होते हैं किसका, एक स्टेट का, ठीक है। अगर हम रिसेंट टाइम पर देखें तो काफी चेंजेस आया है किसके अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। देखो गवर्नमेंट का काम होता है, जो सरकार होती है, मतलब सरकार तो नहीं बोलूंगी, लेजिस्लेचर, ठीक है, जो हमारे नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना, लेकिन उस कानून को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होता है, ब्यूरोक्रेट्स का, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इन्हीं का तो होता है। जब यही स्ट्रांग नहीं होगी, जब यही अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो कुछ फायदा नहीं होगा ना, तो ये अपने आप रिफॉर्म्स लेकर आती है, ठीक है, लिबरलाइजेशन बढ़ाए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ाए, तो कॉम्प्लेक्सिविटी भी बढ़ी है किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम की। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब इतना कुछ आ गया है पिक्चर में तो प्रॉब्लम भी बढ़ गई है किसकी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल कल्चर, इन सभी का चेंज होना, तो ये भी काफी हमारे यहाँ पर चेंजेस कर देता है किसको, ब्यूरोक्रेट्स को, जो कि अकाउंटेबल हो गई है, रिस्पॉन्सिव हो गई है और इफेक्टिवली काम करने लगा है क्या, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि इन्वायरमेंट को बचाए रखे, ठीक है, लोगों की जो राइट्स है। देखो ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, जो हमारे आईएएस, जो हमारे सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम होता है कि लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं करना, जो लॉ और ऑर्डर, जो कानून बनाया है उसको मेंटेन रखना, स्टेबिलिटी मेंटेन रखना कंट्री के अंदर, इफेक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना, ठीक है, लोगों के वेलफेयर में काम करना, तो ये सभी काम होते हैं किसके, ब्यूरोक्रेट्स के, ठीक है। न्यूट्री ने क्या बोला है कि अब इनका जो चैलेंज चेंज मतलब शिफ्ट कैसे हुआ है, तो बदले कि जब इनका जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, लिबरलाइजेशन, ये जो गवर्नेंस वाला सिस्टम आया, तो इनसे इसका रोल भी चेंज हो गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, रैपिड एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ी है, ठीक है, काफी एडवांस हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम भी बढ़ी है। अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो देखा जाएगा काफी साइबर क्राइम, जो कि आज के टाइम पर लोगों को पता भी नहीं है साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है, काफी थ्रेट्स बढ़े किसके लिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं यार इन सब चीजों के लिए, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम भी बढ़ी है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो टेक्नोलॉजी का ऐसा मतलब ही नहीं है कि लोग उसका सिर्फ अच्छा यूज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो उसका मिसयूज भी करते हैं, ठीक है, और उनको ज्यादातर अकाउंटेबल होना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबल होना है हर एक सेक्शन के लिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और बहुत सारी स्किल्स उनको डेवलप करनी पड़ रही है जिनके लिए उनको एक्सटर्नल थ्रेट भी है और अंदर ही अंदर मतलब इंटरनल थ्रेट भी है, ठीक है। अब जो साइबर क्राइम होता है वो हमारे देश के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, ठीक है, तो ये से क्या है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत समरी सी में ही पूरा चैप्टर समझा दिया, ठीक है, कुछ नहीं था, बस गवर्नेंस था, गवर्नेंस मैंने आपको काफी ज्यादा डिटेल में चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाया हुआ है, और चेंजिंग द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ये हमारा न्यू टॉपिक था जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम एक चैप्टर में चलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट। इंफॉर्मेशन पता होगा, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, वो कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन जानकारी पहुंचाना, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। और गवर्नेंस से इससे क्या रिलेशन है, ऐसा हम पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे होता क्या है, कैसे आया था, क्या है, और फिर उसके बाद ये इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब कैसे इसका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, ये देखने वाले हैं अलग अलग परस्पेक्टिव से। फिर उसके बाद इंडिया का क्या इनिशिएटिव रहा है आईसीटी से, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद जो गवर्नेंस है वो अनेबल कर पा रही, क्या वो उसका फायदा ले पा रही है, ये देखने वाले हैं, और क्या क्या चैलेंजेस है किसके, हमारे आईसीटी के, ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। आईसीटी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पर डेवलपिंग कंट्री के लिए, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। आईसीटी क्या करता है, एक ऐसा मॉडल है जो कि आपको मेथड प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन करने का, कोलेबरेट करने का, ठीक है, गवर्नमेंट की हर एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी तक पहुंचाने का, कौन पहुंचाती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये प्रमोट करती है किसको, गुड गवर्नेंस को, ये इंक्रीज करती है ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंश्योर करना क्या, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, उन तक हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसका होता है, आईसीटी का, ठीक है। इसका हम कुछ कॉन्सेप्शन फ्रेमवर्क देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
आईसीटी को यूज किया जाता है बाय टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जहां पर आप लोगों तक क्या पहुंचाते हो, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज वगैरह सब क्या है कि आईसीटी ही तो है, ठीक है। आप कंप्यूटर्स का यूज करते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, ठीक है, स्टोर का, प्रोटेक्टर का, इन सभी का यूज करते हो, जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है, पूरा चैप्टर आपको समझा रही हूँ। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो हो पाया है जो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज सॉरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहे, इंक्रीज दिस एक्टिविटीज इन्वॉल्व कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इन एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन का इंक्रीज होता है, ठीक है, आईसीटी की वजह से। और ये इफेक्टिवली इफिशियंटली काम करने को बोलती है किसको, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के ऊपर कोई दिन रात नजर रखे कि हाँ गवर्नमेंट के हर एक जानकारी दे रही है, तो गवर्नमेंट भी इफेक्टिवली काम करेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी। डेवलपिंग कंट्री जो कि इसे भाग नहीं सकती, वो आइसोलेट अलग नहीं हो सकती कि इसे आईसीटी से, ठीक है। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, ई सिटीजनशिप, ये सारे जो है ये सारे टर्म आ रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन होना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए, सिटीजन जो पार्टिसिपेट करे, ठीक है, किसका, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का यूज करे, जिससे वो गवर्नमेंट से क्या कर सके, हर अपने क्वेश्चन का आंसर ले सके, ठीक है, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी बनी रहे स्टेट और सिटीजन्स के बीच में, ठीक है। और ये गुड गवर्नेंस को दिखाता है, क्या आईसीटी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि इसको गुड गवर्नेंस को, ठीक है, इसका एम क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट करना कि इसका जो मल्टी स्टेक होल्डर है, ठीक है, डिसीजन लेना, गवर्नमेंट को ओपन और अकाउंटेबल करना कि गवर्नमेंट जवाबदेही रहे, गवर्नमेंट ओपनली काम करे, ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर मतलब मार्केट, सिविल सोसाइटी, इन सभी को इन्वॉल्व करना, ठीक है। गुड गवर्नेंस एक पार्ट है कि इसका डेवलपिंग प्रोसेस का, जहां पर पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सभी को इंश्योर किया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन ऑफ पर्सपेक्टिव, कैसे ये मतलब कैसे ये बढ़ा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो कि आज हम इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं फोन के थ्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो इतनी बढ़ गई है, ठीक है, तो ये ऐसे मतलब कैसे इवॉल्व कैसे हुआ था, कैसे बढ़ा था, अब अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इन 1989 के अंदर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था 1991 के अंदर, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, 2010 के बाद तो इंटरनेट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको पांच फेजेस में बांटा गया है, पहले तो बात कर रहा है फर्स्ट फेजेस का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। बोला जाता था उस टाइम पर 5 टन के कंप्यूटर आते थे, ठीक है, जिनका 5 टन का वेट होता था, ठीक है, वो क्या होता था, इसके अंदर आप अपना मतलब पूरा मैसेज टाइप करते थे, जो आपकी न्यूज रहती थी उससे आप इंफॉर्मेशन को पहुंचाते थे, ये था फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज बोलता है, अब यहां पर 1970s में क्या होता है, तो 45 तक का टाइम था हमारा फर्स्ट फेज, और सेकेंड फेज जहाँ पे हमारा 1970 से इवॉल्व होता है, यहाँ पर बोला जाता है अब आपके पास खुद के कंप्यूटर डेवलप होने लगे थे, बड़े बड़े बहुत सारे कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म होने लगे थे, डेस्कटॉप बनने लगे थे, ठीक है, इस टाइम पर सभी के पास अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर होने लगा था, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड जो फेज है इसके अंदर क्या है कि मल्टी प्रोसेस, ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप होती है, ठीक है, मतलब जो हमारी जो मेमोरी है जिसमें आप गाना सुनते हो, ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, ये बढ़ने लगी थी, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होने लगी थी, तो इस टाइम पर जो मतलब टेक्नोलॉजी वो धीरे धीरे इवॉल्व कर पा रही थी। फोर्थ फेजेस जहां पर नेटवर्किंग बढ़ने लगा था, थर्ड फेजेस के अंदर आपके फोन वगैरह भी बनने लगे थे, ठीक है, थर्ड फेजेस के अंदर आप फोन वगैरह को ले सकते हो, जो स्मार्टफोन है वो, ठीक है। फिर फोर्थ फेज इसके अंदर क्या है, नेटवर्किंग आ जाता है, इंटरनेट 2010 के अंदर, जो कि जो बड़े बड़े डिस्टेंस बैरियर्स थे उनको खत्म करता है, ठीक है, आप वीडियो कॉल के थ्रू लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे थे, अपनी कम्युनिकेट कर पा रहे थे, फोर्थ फेज है, ठीक है, जहां पर ग्लोबल विलेज बोला जाता है, मतलब पूरा जो वर्ल्ड था वो क्या बन चुका था, एक गांव बन चुका था, जिससे हम सीधे कॉल किया, भाई कहां पे तू, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें कर सकते थे, ठीक है। फिफ्थ फेज इस ये डेवलपमेंट होता है किसका, वायरलेस ब्लूटूथ जैसी चीजों का, ठीक है, इस टाइम पर डेवलपमेंट बिल्कुल बढ़ चुका है, ठीक है, आज के टाइम पर आप गाना सुन सकते हो रीसो पर, स्पॉटिफाई पर, ठीक है, स्पॉटिफाई पर, और वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, और आप क्लासेस ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, इतना कुछ बढ़ चुका है। तो ये फिफ्थ फेजेस है जिसमें आपकी रात दिन सुबह
सब कुछ फोन के साथ होता है, सब कुछ आपका इंटरनेट के साथ होता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी फिफ्थ फेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इन इंडिया। क्या इंडिया के अंदर क्या इनिशिएटिव रहा है? तो इंडिया के अंदर देखे तो भाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इतनी पहुंचाई जाती है कि दोपहर के टाइम पे आप टीवी तो खोलो, एबीपी न्यूज, आज तक जो ये न्यूज वाले होते हैं इन पर खोल के देखो तो हमेशा आपको सास बहु साजिश चला हुआ मिलेगा, जहां पर पता चलता है अनुपमा क्या इस चुनौती को कर पाएगी पार, ठीक है। ऐसी ऐसी न्यूज़ आपके सामने आ जाती है, घर घर की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इंडिया का बहुत ज्यादा इनिशिएटिव है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है हम देखने वाले हैं। तो हमने काफी सपोर्ट करा है किसको, आईसीटी को, ठीक है। 1970s में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो एस्टैब्लिश करती है एक डिपार्टमेंट को किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, जो कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करती है बाद में, ठीक है, नेशनल सैटेलाइट को। अब इंडिया ई गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करती है कि भाई हमको ई गवर्नेंस रखना है, मतलब लोगों तक बात को पहुंचाना है, वो हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए, असेस कर पाए, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेकंड हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेशनल पॉलिसी आती है, नेशनल पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2012 के अंदर आती है, फोकस करती है कि टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल करी जाए हर एक चीजों के ऊपर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर, फिजिकल इंक्लूजन के अंदर, ठीक है, इन सभी के अंदर क्या है, डेवलपमेंट आए, ठीक है, सॉरी टेक्नोलॉजी को आ जाए। अब देखो आज के टाइम पर क्या है, एजुकेशन आप पढ़ाई ले पा रहे हो किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। हेल्थ, आज हम डॉक्टर से सीधे घर पे बैठ के उनसे पूरी वो ले लेते हैं, एक्सरे वगैरह जो भी होता है, जो भी टेस्ट वगैरह आप कराते हो तो आपके खुद के फोन पर पूरा रिपोर्ट तैयार होकर आ जाता है। ये क्यों है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से कि पूरा इंफॉर्मेशन आप टेक्नोलॉजी की वजह से ले पा रहे हो, ठीक है। रिसेंटली क्या इनिशिएटिव रहे, तो सबसे बड़ा डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने बोला भारत देश को क्या बनाना है, डिजिटल इंडिया बनाना है, ठीक है। ये 2014 के अंदर आया था, जहां पर हमने बात करा था कि भाई हमको नेटवर्क को फैलाना है हर एक गांव गांव तक, किसको फैलाना है, नेट को फैलाना है, ठीक है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक है, और लोगों तक जो डिजिटल है उसको फैलाना है, ठीक है, सभी तक नेट को पहुंचाना है। तो ये हमारा डिजिटल इनिशिएटिव रहा। फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी, जहां पर हमारे इस देश के अंदर 2014 के अंदर आया था, 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था, जहां पर 100 सिटीज को, ठीक है, इंडिया के अंदर 100 सिटीज को क्या करा गया था कि इनको हमको डेवलप करना है, इनको स्मार्ट बनाना है, और हमारी सिटी भी स्मार्ट सिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो डेवलपिंग डेवलप करना है इनको, यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी है यहाँ पर क्या बोला गया कि वाटर सप्लाई कराना है, इलेक्ट्रिसिटी पूरे 24 घंटे पहुंचानी है, ठीक है, वेस्ट वगैरह जो है वो उसको साफ करना है, कनेक्टिविटी रखना है, डिजिटलाइजेशन रखना है, सिटीजन पार्टिसिपेशन करना है। तो ये सभी किसके फीचर है, एक स्मार्ट सिटी के, और स्मार्ट सिटी कितनी सिटीज को करना है, स्मार्ट 100 सिटीज को, ठीक है। इंटरनेशनल टू थिंग, अब इंटरनेट से ही हर एक चीज हो जाती है। देखो भाई, टैक्स पे करना है इंटरनेट से, ठीक है, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, मतलब सब कुछ अब आप इंटरनेट से ही करोगे, ठीक है। तो डिजिटल स्पेस ऑफ इंटरनेट, ये हमारा वो लास्ट वर्ड, ठीक है। अब क्या जो गवर्नेंस है वो इनेबल कर पा रही है, मतलब क्या कर पा रही है, तो इंटीग्रेटेड द यूज ऑफ द इंटरफेस। हाँ देखो क्या है कि देखो वो जो हमारी इंटरनेटेड ग्रुप इंटरफेयर ऑफ द आईसीटी प्लेटफॉर्म, हाँ, जो बहुत सारे ग्रुप जो कि क्या करते हैं, इंटरग्रेटेड होते हैं, एक साथ मिलते हैं, ठीक है, आईसीटी प्लेटफॉर्म पे, वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम अपना रोल प्ले करे, पब्लिक इंटरफेयर कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं, जो आईसीटी होता है इनका सब क्या है। अब देखो जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आप तक हर एक चीजों को पहुंचाता है, कल क्या हो गया, कल वहां पर क्या गलत हुए, तो ये क्या है, करप्शन को दिखाता है, ठीक है। अब कोई भी कल को कुछ भी करेगा गलत, तो वो पहले से रखेगा कि हाँ भाई मेरी वीडियो पूरे में फैल जानी है, तो मेरे को कुछ ऐसा कदम नहीं रखना है। ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करता है गवर्नमेंट, जो हमारे नेता लोग हैं वो कहीं भी कोई भी भाषण लेते हैं तो वो वीडियो रिकॉर्ड करो, सीधा हमको पता चल जाता है, हमको जाने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है, किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से, ठीक है। तो इसको 5 फेजेस में बांटा गया है। पहला वेब प्रेजेंस, जहां पर पहले डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती थी, ठीक है। पॉलिसीज, पहले ये था कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेकर आ रही है तो शहर से कोई इंसान आया है तो वो 10-15 दिन बाद उसको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने ये नया कानून बनाया, अरे बाबा। सेकेंड, उसके बाद सेकेंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो कि थोड़ा थोड़ा हम क्या करने लगे थे, पार्टिसिपेट करने लगे थे, ठीक है। जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर थे, मतलब जो मार्केट प्लेयर्स थे, इन सभी को इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा, मतलब 1991 की बात हो रही है, ठीक है। ट्रांसएक्शनल
प्रेजेंस यहाँ पर हमने इंटरनेट को लेकर आए, ठीक है, जहां तक हर एक इंसान को क्या हो सके इंटरनेट एक्सेस हो चुके, ठीक है, जहां पर लोग गवर्नमेंट की हर एक इंफॉर्मेशन को ले सके, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ फेज जहां पर नेटवर्क, ये नेटवर्क है हर जगह और लोग ई पार्टिसिपेशन करते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, लेटर वगैरह जो भी ऑनलाइन वगैरह उनको करना होता है वो सब कर लेते हैं। आरटीआई जहां पर हम गवर्नमेंट की हर एक इंफॉर्मेशन को 20-30 दिन के अंदर अपना जान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस क्या है, मतलब इतना अच्छा है, इतना कुछ है, ऐसा है, वैसा है, जो भी कुछ है, ठीक है, चैलेंजेस क्या है भाई इसके लिए। इंडिया के अंदर तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे मोटे चैलेंजेस, चैलेंजेस बहुत ज्यादा। पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है। काफ़ी रिसर्चेस के बाद काफ़ी स्टडी की गई है, तो वही कुछ हमारे चैलेंजेस आए। पहले तो कंप्यूटर का एक्सेस होना, देखो आज के टाइम पर सभी के पास कंप्यूटर नहीं है। कनेक्टिविटी, गांव में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर तो भाई वीडियो बनाने की दूर के बाद मेरा तो यूट्यूब भी नहीं चलता, ठीक है, तो कनेक्टिविटी है ही नहीं। लोगों के पास कॉन्टेंट नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ पर, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी, ये सारे चैलेंजेस है, ठीक है। जहां तक हम अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचा पाते, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अब टेक्नोलॉजी भी कम है, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे, कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे, तो ये सभी क्या हुए, चैलेंजेस हुए, ठीक है। तो ये सभी हमारे चैलेंजेस हुआ। सबसे बड़ा पॉवर्टी, जिनके लोगों के पास पॉवर्टी है तो भाई ये क्या करता है, गैप कर देता है, ठीक है। अब जिनके पास पैसा है तो वो अपना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, पूरे जानकारी ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन जो बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे, जो बेचारे पॉवर्टी को फेस कर रहे होंगे, ना वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचा पाएंगे, ना वो उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हुए। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछे, अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।